इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि जब हम ब्लू फिशरी और ग्रीन फिशरी को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो स्टे ट्यून। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ग्रीन फिशर और ब्लू फिशर को, तो हमारे पास एक किस्म के बच्चे ही निकलते हैं जो कि ये ग्रीन होते हैं विजुअली फॉर्म पे, लेकिन वो स्प्लिट होते हैं ब्लू के, यानी जनरेशन आगे आ जाती है, कन्वर्ट हो जाते हैं, स्प्लिट ब्लू होते हैं। तो ये दोनों पेरेंट्स होते हैं और उनके जो चीक्स होते हैं 100% ग्रीन होते हैं, लेकिन वो विजुअली तौर पर ग्रीन होते हैं लेकिन स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट ब्लू होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेयरिंग है, जब हम ग्रीन स्प्लिट ब्लू को और आपस में ग्रीन को पेयर अप करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो इस तरह का आता है कि हाफ बच्चे जो होते हैं हमारे पास नॉर्मल ग्रीन होते हैं, जो कि नॉर्मली फिशर होते हैं, वो आम से किसी भी शॉप पर आराम से मिल सकते हैं। और जो नेक्स्ट बच्चे होते हैं 50% हाफ बच्चे, तो वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू होते हैं। तो इनका जो टेस्ट ब्रीड से पता लगता है कि ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू है या आम फीचर है। तो पेरेंट्स ये हो तो आपस में हमारे पास दोनों किस्म के चीक्स आते हैं, तो नॉर्मल ग्रीन और ग्रीन स्प्लिट ब्लू, विजुअली तौर पर तो नहीं पता जा सकता। और जब हम नॉर्मल ब्लू को, नॉर्मल ब्लू फिशरी को और ग्रीन स्प्लिट ब्लू को आपस में पेयर अप करते हैं तो जो हमारे पास इसके चीक्स आते हैं वो होते हैं 50%, यानी कि चार बच्चे होंगे, चार में से दो बच्चे होंगे ग्रीन फिशर नॉर्मली विजुअली तौर पर, लेकिन वो स्प्लिट होते हैं ब्लू के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और नॉर्मल ग्रीन बच्चे भी आते हैं, यानी वो चार में से दो तो ग्रीन स्प्लिट ब्लू हो जाएंगे और नॉर्मल ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह की ये पेयरिंग के साथ, यानी ग्रीन स्प्लिट ब्लू और ब्लू को आपस में मिलाए तो ग्रीन स्प्लिट ब्लू और 50% और ग्रीन सिंपल आते हैं। इसी तरह जब हम ग्रीन स्प्लिट ब्लू और ग्रीन स्प्लिट ब्लू को आपस में पेयर अप करते हैं तो हमारे पास जो तीन किस्म के बच्चे आते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल ब्लू फिशर होते हैं, ठीक है, एक या यानी हर क्लच में से चार में से एक या दो बच्चा निकल आएगा ये, ठीक, जो नॉर्मल ब्लू होगा विजुअली तौर पर, ठीक है, और एक होगा नॉर्मल ग्रीन। वही बात आ गई कि इसे टेस्ट ब्रीड से ही पता लगा जा सकता है, ऐसे नहीं पता जा सकता कि ये नॉर्मल ग्रीन है या ग्रीन स्प्लिट ब्लू बच्चा है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन स्प्लिट ब्लू और ग्रीन स्प्लिट ब्लू से जो बच्चे आपस में आते हैं हमारे पास, वो ये तीन किस्म के होते हैं, नॉर्मल ब्लू, नॉर्मल ग्रीन, ग्रीन स्प्लिट ब्लू। तो बस यही था वीडियो का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें।